हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो इसका ए पार्ट हम अभी स्टार्ट करेंगे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इन नंबर्स के हमें प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1347 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे तो मैं अभी ये सॉल्व करके आपको बताऊंगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे। 7 3 कितना होता है? 7 3 होता है 21। तो 21 का 1 यहाँ लिखेंगे और 2 इस 4 के ऊपर हम लिख देंगे। अब 4 3 कितना होता है? 12। 12 प्लस 2 कितना होगा? 14। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और 1 यहाँ पे अगेन कैरी। 3 3 9 होता है। 9 प्लस 1 10। तो 0 यहाँ और 1 यहाँ। 1 3 कितना होगा? 3। 3 प्लस 1 4। तो हमने 1347 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसे 2 से करेंगे, यानी आप 20 प्लस 3, तो हमने 3 से कर लिया, अब हम 20 से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे। अब यहाँ पे आप क्रॉस भी लगा सकते हो या एक जीरो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, जो भी हमने नंबर्स के ऊपर लिखा है उसे हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 3 से सब मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब हम इसे वापस, अब 7 2 कितना होगा? 14। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ। 4 2 कितना होता है? 8। 8 प्लस 1 कितना होगा? 9। 3 2 कितना होगा? 6। 1 2 कितना होगा? 2। अब हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। 4 प्लस 4 कितना होगा? 8। 0 प्लस 9 कितना होगा? 9। 4 प्लस 6 कितना होगा? 10। 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। तो हमारा आंसर है 30981। ये हमारा प्रोडक्ट आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 2541 से हमें 54 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 4 4 4 16। तो 6 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ। 5 4 20। 20 प्लस 1 कितना होगा? 1 और 21, तो 1 यहाँ लिख दिया और 2। 2 4 8। 8 प्लस 2 कितना होगा? 10। फिर अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2541 को, ठीक है। उससे पहले हमने जो भी कैरी में जो नंबर्स लगाया उसे इरेज कर ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। फिर 5 1 5। 5 4 20। 5 5 25। 25 प्लस 2 कितना होगा? 27। तो 7 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ। 5 2 10। 10 प्लस 2 कितना होगा? 12। अब हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 0 कितना होगा? 4। 6 प्लस 5 कितना होगा? 11। 1 प्लस 1 2। 2 प्लस 0 2। 0 प्लस 7 7। 2 प्लस 1 3 और 1। तो हमारा प्रोडक्ट आया है 137214। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट अभी करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 2। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ कैरी में। 7 5 35। 35 प्लस 1 कितना होगा? 36। 6 या 3 या 3 5 15। 15 प्लस 3 कितने हो गए? 18। तो 8 या और 1। 2 5 10। 10 प्लस 1 11। अब हमने 5 को 2372 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने जो भी कैरी में नंबर्स लिखे हैं उसे इरेज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब हम इसके सेकंड स्टेप पे जाते हैं। 4 2 8। 4 7 28। तो 8 या 2। 3 4 12। 12 प्लस 2 कितना होगा? 14। 4 या 1। 4 2 8। 8 प्लस 1 9।
अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 8 14, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 1 10। तो हमारा आंसर है 106740। ये हमारा आंसर है, इन्हीं इन दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो हमारा आया प्रोडक्ट हमारा ये। इसी तरह से हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें 1532 को 81 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा 3, 5 वन ज़ा 5, 1 वन ज़ा 1। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया था। 8 टू ज़ा 16, तो 6 या 1। 8 थ्री ज़ा 24, 24 प्लस 1 कितना होगा 25, 5 या 2। 8 फाइव ज़ा 40, 40 प्लस 2 कितना होगा 42। 8 वन ज़ा 8, 8 प्लस 4 कितना होगा 12। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 2 3 टू 0 6 5 2 2 1, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 2 या 1। तो हमारा आंसर आएगा 124092। यही हमारा प्रोडक्ट है। अब हम सेवन क्वेश्चन करेंगे। क्यों दो डिजिट के नंबर को हमें मल्टीप्लीकेशन करने आ गया है, जैसे 23, 54 हमने कर लिया। अब हम सेवन क्वेश्चन में थ्री डिजिट को थ्री डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा 9, 8, 7, 4, 5, 0 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 7 जीरो का कितना होगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। 9 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप था मल्टीप्लिकेशन का वो तो हो गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं और जीरो भी लगा, फिर जीरो लगाते हैं। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 35। तो 5 यहाँ पे हमने लिख दिया है 3 को यहाँ। 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 3 कितना होगा 43, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ। 9 5 ज़ा कितना होगा 45, 45 प्लस 4 कितना होगा 49। तो अब हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमें दो जीरो लगाने पड़ेंगे। अगर आप क्रॉस भी लगाते हो तो सेकेंड थर्ड डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जो थर्ड स्टेप आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें आपको दो जीरो लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें अगला डिजिट लिखना होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, पहले हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा 28, 8 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ। 4 8 सा कितना होगा 32, 32 प्लस 2 कितना होगा 34, 3 या 3 और 4 या 3। 9 4 सा कितना होगा, 9 4 सा होगा 36, 36 प्लस 3 कितना होगा 39। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो 0 प्लस 0 कितना होगा 0, 0 प्लस 5 प्लस 0 कितना होगा 5, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 1 या 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 कितना होगा 14, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 कितना होगा 14, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। तो हमारा आंसर है 444150। ये हमारा आंसर है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसी तरह हम थ्री जीरो का और एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। टेंथ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। टेंथ क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है 2351 को 263 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 15, 5 यहाँ 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना होगा 7। तो हमारा फर्स्ट स्टेप का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हम सेकेंड स्टेप में यहाँ पे 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना होगा
21, 1 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा 14। अब हमारा थर्ड स्टेप है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 या 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 0 कितना होगा 3, 5 प्लस 6 कितना होगा 11, 11 प्लस 0 11, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 8 प्लस 0 8, 7 प्लस 4 कितना होगा 11, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 5 प्लस 1 6। तो हमारा आंसर है 618313। इस तरह से हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें 4135 को 13 से। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, 4135 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम जैसे पहले अरेंज कर लेते हैं और फिर से मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 15, फिर यहाँ पे 1 कह लें, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो 0 या 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12। फिर हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में 0 लगा देंगे, फिर 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 0 कितना होगा 5, 0 प्लस 5 कितना होगा 5, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 4 प्लस 1 कितना होगा 5। तो हमारा आंसर है ये हमारा प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, 6579 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 28 से। मल्टीप्लाई करना है तो 9 8 से कितना होता है 72, फिर 7 8 से कितना होगा 56, 56 प्लस 7 कितना होगा 6, हम यहाँ पे साइड में एडिशन कर लेते हैं, 6 प्लस 7 होता है 13 और 5 प्लस 1, तो 56 प्लस 7 हमारा होगा 63, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख देते हैं और 6 यहाँ पे, 5 8 का कितना होता है 40, 40 प्लस 6 कितना होगा 46, 6 8 का कितना होगा 48, 48 प्लस 4 कितना होगा 48 प्लस 4 कितना होगा 52। अब हम ये सारे ऊपर जो कैरी लिखे थे वही हम इरेज कर लेते हैं। अब 2 9 का कितना होगा 18, 7 2 का कितना होगा 14, 14 प्लस 1 15, 5 2 is 10, 10 plus 1 11, 6 2 is 12, 12 plus 1 13। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 2 plus 0 कितना होगा 2, 8 plus 3 कितना होगा 11, 6 plus 5 कितना होगा 11, 11 plus 1 12, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 5 plus 3 कितना होगा 8 और 1। तो हमारा आंसर है ये। इसी तरह से हम सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे, बाकी के बीच के जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन आप और भी जल्दी कर पाओगे। अब हम करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, 2501 को किससे मल्टीप्लाई करना है 123 से। थ्री मल्टीप्लाई बाय वन क्या होगा हमारा ना 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 6, 6 प्लस 1 7। अब हम सेकंड स्टेप में यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0,
फाइव मल्टीप्लाई बाय टू कितना होगा टेन, टू मल्टीप्लाई बाय टू कितना होगा फोर, फोर प्लस वन फाइव। फिर तीसरे स्टेप में हम दो जीरो लगाएंगे, वन मल्टीप्लाई बाय वन कितना होगा वन, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव, वन मल्टीप्लाई बाय टू। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, थ्री प्लस जीरो प्लस जीरो तो क्या आएगा थ्री, जीरो प्लस टू, टू प्लस जीरो टू, फाइव प्लस जीरो, जीरो प्लस वन सिक्स, सेवन प्लस जीरो कितना होगा सेवन, फाइव प्लस फाइव टेन, टू प्लस वन थ्री। तो हमारा सेवन क्वेश्चन का जो आंसर है ये आ गया, ये इस 2501 को 123 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो ये आएगा। इसी तरह से हम एट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री कितना होगा जीरो, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू, वन थ्री जा थ्री, थ्री प्लस टू फाइव। अब हम कैरी हटा देते हैं, वन जीरो जा जीरो, वन फाइव जा फाइव, वन सेवन जा सेवन, वन वन जा वन। फिर हम टू जीरो जा जीरो, टू फाइव जा टेन, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, जीरो फाइव सेवन, सेवन प्लस फाइव कितना होगा ट्वेल्व, और फाइव प्लस वन, फाइव प्लस वन कितना होगा फाइव प्लस वन होगा सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन और थ्री। तो ये हमारा आंसर है, यानी प्रोडक्ट है। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो रही है। और जो बचे बचे क्वेश्चन है जैसे फोर्थ, सिक्स, थर्ड, फिफ्थ, ये आप खुद सेल्फ कर लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।